मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, 7 अगस्त 2023 यानी कि सावन के 5वें सोमवार के दिन भगवान शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी सुखों के कारक भगवान शुक्र देव गोचर करते हैं तो उसके बाद कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। कुछ राशि वालों को फायदा मिलता है तो कुछ राशि वाले नुकसान में भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। आपको बता दें, इस बार 7 अगस्त 2023 से ही जब भी भगवान शुक्र देव गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उसके तुरंत बाद 6 राशियों की किस्मत में जबरदस्त रूप से परिवर्तन होगा। 6 राशि वाले लोगों को अगस्त में अचानक से धन का आगमन होगा और भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए, भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू के को बड़ा गया 6 और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। आपको बता दें, 7 अगस्त से ही आज जो गज लक्ष्मी राज्यों का निर्माण होगा ना, वो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। क्योंकि एक तो भगवान शुक्र देव आपकी राशि के धन के भाव में वक्री होने जा रहे हैं, ऐसे में जिनके भी मिथुन राशि है ना, 7 अगस्त के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और इस दौरान आप अच्छी खासी बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। आपकी बातचीत शैली में भी सुधार आएगा, जिससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा, संचार आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अद्भुत और शानदार रहने वाला है। बाकी जिनकी भी मिथुन राशि है, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। इस साल 2023 में आप धन संबंधी काफी अच्छी बचत कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, कमाते आप बहुत अच्छा है लेकिन बचत कुछ भी नहीं हो पाती, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रूपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, अगले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भगवान शुक्र देव के गोचर से गज लक्ष्मी राजयोग बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। भगवान शुक्र देव आपकी राशि के कर्म भाव में वक्री हो रहे हैं और इससे आप जो कोई भी कर्म करते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उन दोनों में ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस अवधि में आपकी योजनाएं भी सफल होगी और सहज
सहकर्मियों के साथ आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, उनके साथ आपके जो संबंध है वो पहले की तुलना में मधुर बनेंगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपके भौतिक सुख और साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में आने जा रहा है। चलिए अगले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू श ण ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्र देव के गोचर के कारण जो गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, वो कन्या राशि वाले लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा। भगवान शुक्र देव आपकी राशि के इनकम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में इस अवधि में आपको पहले जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था ना, उससे लाभ मिलने की संभावना होगी और उससे आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। आपकी लगभग योजनाएं सफल बनेगी। आपको अपने लंबे समय से रुका हुआ जो भी पैसा है ना, वो वापस मिलेगा। आपके लिए इनकम के नए नए स्रोत भी खुलेंगे। आपको संतान संबंधी अच्छी उन्नति और सफलता मिलेगी और उससे जुड़ी कोई भी अच्छी शानदार खबर मिल सकती है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो भी ये अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा और शुभ साबित होने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि 7 अगस्त के दिन जब भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, सावन के 5वें सोमवार के दिन जो गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमा कर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को एक दिन, दो दिन, पांच दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो को इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों गज लक्ष्मी राजयोग बनने से कर्क राशि वाले लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। एक तो साक्षात भगवान शुक्र देव कर्क राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी और शानदार होगी। अगर आप व्यापारी है तो व्यापारियों के लिए मुनाफा बढ़ सकता है। आप अपने परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे और साथ ही किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी और यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार और शुभ फलदायी साबित होगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना अंतिम रूप से, वो बनती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्रदेव की दृष्टि इस समय मकर राशि पर ही रहने जा रही है, ऐसे में मकर राशि वाले जो भी लोग हैं उनके लिए गज लक्ष्मी राजयोग बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहने वाला है। एक तो भगवान शुक्रदेव की दृष्टि आपकी उच्च की स्थिति पर है, ऐसे में आपको काफी अच्छे और शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर आपका जो माहौल है वो आपके अनुकूल रहने वाला है। आपको खर्चों के साथ साथ ही प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं ना, उन लोगों के लिए समय बहुत
बहुत ही अच्छा पॉजिटिव और फेवर में रहने जा रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों,